हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास नाइन्थ का टॉपिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और हम कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। और वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन वी हैव साइटोप्लाज्म, एंड इन द लास्ट वी हैव न्यूक्लियस। क्योंकि अगर हम एक सेल की नॉर्मल बात करते हैं तो सेल की जो आउटर लेयर होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा। तो ये तीन नाम है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है और फिर होता है न्यूक्लियस। ये हमारा है न्यूक्लियस और ये हमारा बाहर का पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जिसके अंदर हमारे सभी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है जिसको कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोजीशन कहाँ पर होती है, देन वी हैव स्ट्रक्चर, एंड इन द लास्ट वी हैव फंक्शन। तो हम इन तीन कैटेगरीज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिवाइड करेंगे। और इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर के हम अंदर हम बहुत सारे पार्ट्स देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, विच इंक्लूड्स फॉस्फोलिपिड्स। लाइक फॉस्फोलिपिड्स, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, विच इज कंपोज्ड ऑफ बायलेयर। देन वी हैव प्रोटीन्स, हमारे प्रोटीन्स डिवाइड होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स में। देन वी हैव कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, एंड देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स। सो दीज आर ऑल दी पार्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आई कैन से इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सबसे पहले अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, बहुत ही पतली होती है। इट इज फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। देन ट्रांसपेरेंट, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट है। प्लस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है। दीज आर ऑल दी फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइक्रोस्कोपिक है, इलास्टिक, इट इज रीजेनरेटिव इन नेचर, रीजेनरेटिव, एंड इन द लास्ट इट इज सेमी परमिएबल। ये सेमी परमिएबल है, दैट मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू देम, नॉट ऑल द सब्सटेंसेस। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट होती है। सो दिस इज अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। सो दिस इज द फंक्शन। लेट्स नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हमारा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, कब, इन 1972। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लिया जाता है। सो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उन्होंने क्या कहा, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये हमारा फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स क्या है, मतलब
क्या चीज आती है हमारे फ्लूइड मोजैक मॉडल में, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो फॉस्फोलिपिड्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, इट इज कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, ये लिपिड्स की बनी हुई होती है। एंड द मेन थिंग इज दे आर अरेंज्ड इन बायलेयर, यानी कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि दो लिपिड्स की लेयर से मिलकर बना हुआ है, लाइक दिस। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका आता है। तो इन स्ट्रक्चर से डरना नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, ये लिपिड्स की लेयर है। बाय मीन्स टू, तो यानी कि ये दो लेयर्स हैं जो आपस में कनेक्ट हो रखी है, दीज आर टू लेयर्स। और क्या बोला है सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर और निकोलसन ने कहा कि जो आउटर और इनर लेयर हमारे प्रोटीन्स की बनी है, यहां पर हमारे प्रोटीन्स भी लगे हुए हैं, तो जो आउटर और ईयर इनर मेम्ब्रेन हमारे प्रोटीन्स की बनी हुई है, वो एक तरीके से आइसबर्ग का काम करते हैं, आइसबर्ग की तरह फ्लोट होते हैं। कहां पर, सी में, ऑफकोर्स आइसबर्ग सी में फ्लोट होते हैं। तो वो सी क्या है, वो सी है हमारा फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स है हमारा सी। देखो हमने क्या किया, ये हमारा मान लो सी आ गया, तो जो सी है हमारा वो है फॉस्फोलिपिड्स, ये हमारा कंप्लीटली फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है, जिसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स हमारे फ्रीली मूव कर रहे हैं, जस्ट लाइक एन आइसबर्ग, जैसे आइसबर्ग सी में फ्लोट करते रहते हैं फ्रीली, सेम एज इट इज हमारे फॉस्फोलिपिड्स के अंदर प्रोटीन्स फ्लोट करते रहते हैं फ्रीली। लेट्स नाउ टॉक अबाउट प्रोटीन्स फर्स्ट, कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या हैं। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी लेयर है वो क्या चीज, किस चीज की बनी हुई होती है। तो देखो ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस, जो हमारा, दिस इज हेड एंड दीज टू आर टेल, पर ये किसकी है, ये जो हेड है हमारा, ये हेड हमारा बना होता है फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल का, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल का, जबकि जो हमारी टेल है वो टेल हमारे दो फैटी एसिड से बनी हुई होती है, टू फैटी एसिड्स। हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वॉटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि ये हेड हमारा वॉटर लविंग होता है, जबकि जो हमारी टेल होती है, टेल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक, यानी कि इसको वाटर से फोबिया है, हाइड्रोफोबिक है। ओके लेट्स नाउ सी द स्ट्रक्चर। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोजैक मॉडल का स्ट्रक्चर है वो आपका कुछ ऐसा ही बनता है, ये कुछ ऐसा, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों ऐसा है। अब देखो यहां पर क्या बनाया है हमने, यहां पर हमारा हेड है और ये टेल, हेड हमारा हाइड्रोफिलिक है और टेल हमारा हाइड्रोफोबिक एंड होता है, वाटर हीटर होता है जिसको कि बोलते हैं, वो वाटर से प्यार नहीं करता है। हेड हमारा फॉस्फोरस प्लस में ग्लिसरोल से बना हुआ होता है और टेल हमारी फैटी एसिड्स की फॉर्म हुई होती है। अब अगर प्रोटीन्स की हम बात करें, प्रोटीन्स, तो यहां पर जो प्रोटीन्स मिलते हैं वो प्रोटीन्स हैं हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब देखो इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर मिलते हैं और एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर की तरफ मिलते हैं।
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स में हमारे आते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल, देखो पेरिफेरल क्या है, जो पेरिफेरी पे हो, यानी कि पेरिफेरी यानी कि बाहर की तरफ। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ लगे होते हैं। दीज आर पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स। और अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स दो में डिवाइड होते हैं। दीज टू आर टोटल इंट्रिंसिक प्रोटीन और पार्शियल इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक मतलब यानी कि जो अंदर है, दैट मीन्स वो यहां पर कहीं पर एम्बेडेड होते हैं। जो इंट्रिंसिक टोटल यानी कि जो कंप्लीट हमारी इस फॉस्फोलिपिड को बिल्कुल पकड़े हुए है, बिल्कुल इन दोनों फॉस्फोलिपिड्स में एम्बेडेड है, वो होता है हमारा टोटल इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो हमारे इन दोनों लेयर्स में है। और इस तरह के प्रोटीन को हम चैनल या फिर टनल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। लाइक दिस, जो ये वाला प्रोटीन मैंने यहाँ पर बनाया है, इसने क्या किया, इसने हमारी दोनों ही फॉस्फोलिपिड को एक तरीके से पकड़ा हुआ है, अटैचमेंट बनाई हुई है अपनी। तो ऐसे प्रोटीन को हम बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और चैनल या फिर टनल इसको हम बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा टोटल इंट्रिंसिक। अब हम बात करते हैं पार्शियल। पार्शियल मतलब जो अंदर एम्बेडेड है भी और नहीं भी, लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये हमारे आ गए पार्शियल एम्बेडेड प्रोटीन्स, ये पार्शियली एम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स के फंक्शन की अगर बात करें तो प्रोटीन एक्ट करते हैं एज ट्रांसपोर्टर्स। ये ट्रांसपोर्टर्स का काम करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को इन और आउट ऑफ द सेल और आउट और इन टू द सेल के अंदर। अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट करना है किसी भी सब्सटेंस का, तो वो हमारा काम करते हैं प्रोटीन्स। तो इसीलिए हम प्रोटीन को ट्रांसपोर्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात हुई हमारे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स का क्या काम है, इंट्रिंसिक है और एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक हमारे पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि पेरिफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। इंट्रिंसिक टोटल और पार्शियल है। टोटल जो कम्प्लीटली एम्बेडेड है हमारे फॉस्फोलिपिड बाय लेयर में, और उसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन, टनल और चैनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। एंड देन वी हैव पार्शियल प्रोटीन जो कि पार्शियली एम्बेडेड होते हैं। लेट्स नाउ सी दी नेक्स्ट विच इज कोलेस्ट्रॉल। अब यहां पर कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल का। तो अगर कोलेस्ट्रॉल को देखें तो जो ये हमारे हेड है, यहीं पर कहीं कहीं पर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। दिस इज कोलेस्ट्रॉल, कहीं कहीं पर एम्बेडेड है कोलेस्ट्रॉल, सब जगह नहीं है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है और ये क्यों यहां पर प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है बहुत ही ज्यादा, यूं कहूं कि तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा नाजुक है। इसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक स्टेबिलिटी क्रिएट किए हुए रखता है, इसको कहीं भी आने जाने नहीं देता है। प्लस में स्टेबिलिटी और रिजिडिटी होगी यानी कि ये इसके स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। जो अगर हमारा सेल का स्ट्रक्चर सर्क्युलर है तो इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेट्स नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का भी क्या काम है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे
दो तरीके के होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स। दिस इज द फर्स्ट टाइप ग्लाइकोप्रोटीन, और सेकेंड टाइप है हमारे ग्लाइकोलिपिड्स। देखो, फर्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड सेकेंड इज ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स? तो ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कि जो प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, तो यहां पर हमारा प्रोटीन है पेरिफेरी पर, अगर यहां पर कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा तो हम इस कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। जो प्रोटीन के ऊपर अटैच होगा दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड्स के ऊपर अटैच होगा दैट इज ग्लाइकोलिपिड। और ये कहां पर प्रेजेंट होगा? ये हमारे प्रोटीन के आगे यहां पर बनाते हो, ये हमारी लिपिड की लेयर आ गई और ये आ गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। यहां जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा दिस इज ग्लाइकोलिपिड। अब इनका फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारी सेल की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, सेल की आइडेंटिफिकेशन में। अब वो आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है? लाइक फॉर एग्जांपल, कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो बीमार होने पर जो फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेती है, तो हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करती है, एक तरीके से आइडेंटिफाई करती है। हमारी जो सेल्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई करेगी और कहेगी कि भाई ये तो हमारे सेल का पार्ट है नहीं, ये तो कोई फॉरेन बॉडी है। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एंटीबॉडीज बनानी पड़ेंगी, अटैक करेंगी। उसी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने प्रोटीन्स किया, प्रोटीन्स के टाइप्स देखे, वी हैव डन कोलेस्ट्रॉल एंड वी हैव डन कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो। लेट्स नाउ सी द फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन से फ्लूइड मोजैक मॉडल। इसमें हर एक चीज का आपको अब फंक्शन पता हो चुका है। अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इजिली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो क्या फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एज यू ऑल नो, इट एक्ट एज एन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि ये कुछ सब्सटेंसेस को अपनी पास होने देती है, ट्रांसपोर्ट होने देती है, और कुछ को नहीं होने देती है। और ये क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर की बनी हुई है, यानी कि जो सब्सटेंस लिपिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो सब्सटेंस लिपिड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं सिर्फ वही पास ऑन हो पाते हैं, और जो सब्सटेंस लिपिड में डिसॉल्व नहीं हो पाते उनको हमें पास ऑन कराना पड़ता है। और उसी के लिए क्या है, ये सब ये चैनल्स बनाए हुए हैं, वही चैनल ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ये आप हायर क्लासेस में इसका डिटेल वर्जन पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना ही है। तो फंक्शन की अगर हम नॉर्मली हम बात करें तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बहुत इजीली पास ऑन हो जाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब इजिली आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। और वहीं पर अगर हम लार्जर मॉलिक्यूल्स की बात करें, लार्जर मॉलिक्यूल्स की बात, तो लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोस, शुगर, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ना, ग्लूकोस इज C6H12O6, शुगर में हमारा सुक्रोस आ जाता है, माल्टोस आ जाते हैं, तो ये सब चीजें पास ऑन नहीं हो पाती हैं। बट ये सब चीजें किसकी हेल्प से पास ऑन हो सकती हैं? ये सब चीजें प्रोटीन की हेल्प से पास ऑन हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन एक्ट करता है एज अ ट्रांसपोर्टर। अभी बताया था कि प्रोटीन एक ट्रांसपोर्टर की तरह हेल्प करता है। तो अगर लार्जर मॉलिक्यूल्स को पास ऑन करना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो उसके लिए हमारे पास है प्रोटीन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड मोजैक मॉडल। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे।
बहुत इजी एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तब भी आप मुझे कमेंट में अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो मेरे लिए एक तरीके से मोटिवेशन होगा। सो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स, बहन भाई सबके साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू।